नमस्कार UBN01 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UBN01। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। UBN08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN08 के साथ। ब्यावर और राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ATM बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य आए पुलिस की गिरफ्त में। आरोपियों को गिरफ्तार कर ATM नकदी व वाहन सहित कुल 1,80,000 का मसरूका किया जब्त। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के निर्देश पर लगातार साइबर संबंधी अपराधों को घटित करने वाले एवं ATM बदलकर ठगी करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SR नोतिया एवं SDOP राजगढ़ से अंतर सिंह जामरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा ATM बदलकर ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। विवेचना के दौरान SBI ATM के आसपास के CCTV फुटेज चेक करने पर दो मोटरसाइकिल वाले लड़कों की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। CCTV फुटेज के माध्यम से तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई और दोनों लड़कों को पहचान चतुरखेड़ी थाना सारंगपुर के रूप में हुई। जब दोनों लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम दोनों मिलकर महिला व बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान भटका कर धोखे से उनका ATM कार्ड चेंज कर देते हैं। राजगढ़ की घटना से लगभग 13 दिन पहले इन दोनों आरोपियों के द्वारा तलेन में एक व्यक्ति का ATM कार्ड बदलकर 20,000 रुपये निकाले गए थे। इन दोनों आरोपियों से अलग अलग बैंक के ATM कार्ड घटना में इस्तेमाल करना स्वीकार किया है। वहीं घटना घटित करने के लिए दो मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल एवं HF डीलक्स मोटरसाइकिल कीमत 1,00,000 रुपये जब्त की गई है। यहाँ एक इंजीनियर है सुरभी पांडे, पिता दिनेश चंद्र पांडे। इन्होंने राजगढ़ बस स्टैंड से अपने ATM से पैसे निकालने का प्रयास किया। जब पैसे नहीं निकल रहे थे तो जो पीछे दो लड़के ATM में खड़े थे उन्होंने इनसे मदद मांगी तो इन्होंने इनको बातों में उलझाकर इनका ATM स्विच कर लिया और मदद के नाम पर ही इनसे पिन भी देख लिया। बाद में करीबन इनके द्वारा इस अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शंस में टोटल 1,06,000 रुपये निकाले गए हैं। इस संबंध में जब थाने पर सूचना प्राप्त हुई इन्हों पर रिलाइज हुआ कि इनके खाते से इस तरह का ट्रांजैक्शन कर लिया गया है। जब इन्होंने उसको रिलाइज किया तो इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि इस तरह का फ्रॉड किया गया है। इस पर तत्काल ही 598/20/1420 का एक मामला दर्ज किया गया। जब और हम लोगों ने जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो उसमें एक CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल और दो लड़के जिनको चिन्हित किया गया कि संभवतः यही संदिग्ध हो सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त हुई। इन दोनों लड़कों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया और सारंगपुर से अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने यह घटना होना कबूल किया गया। अभी इनके पास से इस तरह के 5 ATM और जो दो मोटरसाइकिल इन्होंने यूज की थी प्लस 57,000 रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त हमारी आशंका ये भी है कि ताना तलेन में इन्होंने एक घटना कायम की थी जिसमें करीबन 20,000 रुपये इन्होंने निकाले थे। वो घटना भी इन्होंने स्वीकारी है, उसमें भी वहाँ थाना तलेन में मामला दर्ज किया गया है। अभी यहाँ से पूछताछ के बाद थाना तलेन में इनका प्रोडक्शन वारंट लगा कर रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद वहाँ भी पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो टोटल 5 ATM मिले हैं इसके संबंध में भी हम संबंधित बैंकों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिनके भी ये ATM होंगे उनसे जानकारी प्राप्त करके अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन या धोखाधड़ी उनके साथ हुई है